नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों, घर का बिजली बिल माफ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रियंका गांधी जो है यूपी और राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार को एक लेटर लिख के 3 माह का बिजली बिल माफ करने की अपील कर रही है। तो दोस्तों चलिए आपको संपूर्ण माजरा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 3 माह का बिजली बिल माफ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं 3 माह का बिजली का बिल हो सकता है माफ, इस राज्य के लोगों को होगा फायदा। तो दोस्तों किन किन राज्य के लोगों को होगा फायदा उसके बारे में हम आपको बता दें। तो दोस्तों लॉकडाउन के कारण यहां पे काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बिजली ग्राहकों को अच्छी राहत मिल सकती है। राज्य के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बोर्ड ने केंद्र सरकार से 3 माह का बिजली बिल माफ करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव छोटे बिजली बिल उपभोक्ता व किसानों को ध्यान में रखकर किया गया है। बोर्ड ने केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि अगर केंद्र सरकार एक और पैकेज का ऐलान करती है तो उसमें किसानों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ करने का भी प्रावधान करें। इसी के साथ दोस्तों छोटे बिजली उपभोक्ताओं और किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का मदद बिजली बिल देने की मांग जो है यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों ऐसे में मांग बिहार में भी उठ रही है। बिहार के औद्योगिक संगठन BIA ने भी बिहार सरकार से मांग की है कि वो भी लॉकडाउन के कारण बिजली के बिल को माफ करें। इसी के अलावा राजस्थान को लेके भी काफ़ी ज़्यादा खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि राजस्थान में भी लॉकडाउन के कारण बिजली बिल माफ़ करने की अपील अशोक गहलोत से की जा रही है। उत्तराखंड सरकार भी बिजली बिल माफ़ करने को लेके यहाँ पे प्रस्ताव जो है पेश करने वाली है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें 30 जून तक बिजली का भुगतान करने वाले निजी नलकूप उपभोक्ताओं को देरी से चार्ज में छूट दी जाएगी। इसमें करीब 20,000 किसानों का लाभ होगा। इस छूट के 3.64 करोड़ रुपए का बोझ जो है सरकार वहन करेगी। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें बिजली बिल को लेके यहाँ पे एक और खबर निकल के सामने आ रही है। राजस्थान में 3 महीने के बिजली बिल माफ होंगे, क्या प्रियंका गांधी CM अशोक गहलोत को लिखेगी चिट्ठी। यहाँ दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे राजस्थान के प्रवासी मजदूरों को कांग्रेस की बसों से उत्तर प्रदेश भिजवाने के मामले में शुरू हुई बस पॉलिटिक्स के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की बिजली बिल माफी की मांग पर अब बिल पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। और यूपी में की योगी आदित्यनाथ सरकार से प्रियंका गांधी ने बिजली बिल माफ करने की अपील। तो राजस्थान BJP ने उन्हें प्रशासित प्रदेश की गहलोत सरकार को भी इस बाबत पर एक चिट्ठी लिखने को कह दिया है कि BJP प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने यूपी के बस पॉलिटिक्स पर तंज कसते हुए कहा है कि मजदूर आपकी बस की छत पर बैठकर सुरक्षित पहुंच गए हैं, अब एक पत्र लिखकर आप बिजली बिल माफ अशोक गहलोत को भी लिख दीजिए, क्योंकि केवल 3 महीने का माफ करवा दीजिए, क्योंकि अशोक गहलोत ने पहले ही ऐलान किया था। आप देख सकते हैं ट्वीट के माध्यम से भी यहां पे बताया गया है, क्योंकि दोस्तों अब जो है फिलहाल 3 महीने के बिजली के बिल स्थगित करने का ऐलान किया गया था लॉकडाउन के कारण, लेकिन गहलोत सरकार ने 31 मई तक पिछला बिल भुगतान नहीं करने पर 2% पेनल्टी भी लगाने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों किसानों को हम बात करें तो किसानों को इस बार फिर से बिजली का बिल जो है जमा कराना पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का अभी तक बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ है, जैसा कि अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के समय घोषणा की थी कि हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से बिजली के बिल को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है राजस्थान के CM यानी कि अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बिजली बिल माफ़ करने की अपील करने वाली है। वहीं यूपी के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को भी बिजली बिल माफ़ करने को लेके एक चिट्ठी जो है लिखने वाली है। तो दोस्तों आप भी क्या चाहते हैं कि बिजली का बिल माफ़ हो या नहीं हो, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहाँ कहाँ पर बिजली का बिल माफ़ हो चुका है इसके बारे में भी जरूर बताएं। और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, पास में घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा।